हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वन प्लस इलेवन आर डी में कॉल रिकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हैं बिना किसी को बताए, यानी कि बिना अनाउंसमेंट के आप कैसे कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे ही आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उधर भी यानी कि उस साइड भी आपको बोल देता है योर कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, इस टाइप का आपको बोल देता है। तो आप इसे कैसे म्यूट कर सकते हैं और कैसे आप बिना किसी को बताए वन प्लस इलेवन आर जो कि इसमें 16 डेट है उसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए इसी के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ जीत कुमार और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल लैंग्वेज सपोर्ट। तो चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल चलिए मैं ले जाता हूँ फोन डिस्प्ले पर, वहां पर आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कैसे आपको बिना किसी को बताए कॉल रिकॉर्डिंग आपको करनी है। इससे क्वेश्चन ओपन करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए कॉल वाला एप्लीकेशन को ओपन करनी होगी और आप कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कस्टमर से कॉल करता हूँ 123 या फिर 121 पे कॉल करता हूँ। कॉल करने के बाद देखिए देखिए यहाँ पे देखिए कॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। प्रीपेड संबंधित जानकारी देखिए इस तरह आपको बोल रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमेशा के लिए, इस प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर, ताकि आप किसी से बात करते वक्त आपका कॉल है वो रिकॉर्ड ना हो और अच्छी तरह से आप रिकॉर्ड कर पाए। तो सबसे पहले क्या करना, प्ले स्टोर पे चले आना। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा यहाँ पे डबल टी, यहाँ पे लिख लीजिएगा डबल टी एल ई एक्स, यानी कि डबल टी एस एल ई एक्स। आपको इस तरह का टाइप करनी होगी, टाइप करके सर्च करनी होगी। सर्च करने के बाद यहाँ पे इस वाले वेबसाइट आपको दिखेगा डबल टी एस, तो इस तरह का इसे आपको इंस्टॉल कर लेनी होगी। इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको देखिए ओपन करने का ऑप्शन दिखा, तो ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीपेड इंजन करके एक टाइप का यहाँ पे देख रहे हो तो ओपन हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, प्रीपेड इंजन आपको दिख रहा हो तो इंजन को आप यहाँ से इस टाइप का यानी कि डबल टी एस एल ई एक्स पे आपको कर देनी होगी। करने के बाद आपको जो देख पा रहे हो तो स्पीच रेट है इसको हाई कर देनी होगी, पीछे इसको भी आपको हाई कर देनी होगी। हाई करने से ये फायदा हुआ कि आप कॉल करें, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप कॉल करते हैं, जब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ कस्टमर के पास देखिएगा, उसको रिकॉर्डिंग करता हूँ। ये हो गया, जो कि यहाँ पे किए हैं इसको सेटिंग्स किए हैं तो सिर्फ आप सुन सकते हैं, उधर नहीं सुनाई पड़ेगा। इधर है कि आपके जो रिकॉर्डिंग किए तो सिर्फ आपको सुनाई पड़ेगा, उधर जो फोन जहाँ पे आप कॉल किए हैं उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। जो कि मेरे पास सेकंड में ट्राई कर चुका हूँ, जो कि मेरे पास मैं एक से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक फ़ोन से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग की जाए तो सिर्फ आपको सुनाई पड़ेगा, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा जिससे आप कॉल किए। तो इस ट्रिक को अपना के अपने वन प्लस इलेवन आर को या फिर वन प्लस है किसी फोन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक लेके अपने यूट्यूब चैनल लेके जी सपोर्ट।